तो नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट्स पर। आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए जो कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर से, ये हम चैप्टर वाइज सीरीज आपको करवा रहे हैं ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस ना हो ऑब्जेक्टिव का। यदि आपने हमारे सॉल्यूशन शीट का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके ज़रूर देखें, हमने प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दिया या फिर हम आपको लिंक दे देंगे कमेंट में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप एक एक कॉपी उठिए दोस्तों, खुद भी ट्राई करें, आप सॉल्व करें। और हम आपके लिए मॉडल सेट जल्द ही लेके आने जा रहे हैं, वहाँ पे 6 मॉडल सेट आपको हम कराएंगे हर सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी आपका विषय हो। तो वहाँ से आप मॉडल सेट को ज़रूर करके जाएं क्योंकि उससे आपको 80 to 90% क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आपको उठ के आएगा। तो पिछले भी साल भी हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया था तो काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ था। तो इसके लिए आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, 1 लाख जरूर शेयर ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते बिना कोई वक्त ज़्यादा किए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड। तो बताइए दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा, इसको खुद भी आंसर करने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा आपका सोल्यूशन, यानी कि डी। Which of the following is an example of gaseous solution? Camphor in nitrogen gas, solution of hydrogen in palladium, chloroform mixed with nitrogen gas, या both A and C? तो इसका सही आंसर होगा both A and C, camphor in nitrogen gas भी और chloroform mixed with nitrogen gas भी। Next, in amalgam of mercury with sodium, solvent is? तो एमलगम होता है जो मर्क्यूरी का सोडियम के साथ, उसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो होता है आपका सोडियम। ये वीवीआई है, ये भी याद रखें आप, इस बार ये पूछा जा सकता है आपका 2022 एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज, ये रॉल्ट लॉ इसे कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये 2 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है, आप रॉल्ट लॉ ज़रूर याद रखें। ये चारों लॉ जो इसमें इसके नाम दिए हैं, हेनरीज लॉ, स्टुअर्ट लॉ, डाइल्यूशन लॉ, ये आप ज़रूर याद कर लें दोस्तों, कॉपी में लिख लें 2 से 3 बार, उससे आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। ये आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर रहता है, ठीक है। Among the following substance, the lowest vapor pressure is exerted by? तो lowest vapor pressure जो होता है, among the following substance, the lowest vapor pressure is exerted by? तो इसका सही आंसर होगा mercury. Mercury जो आपका होता है वो आपका lowest vapor pressure exert करता है। Which of the following solution shows positive deviation from Rolle's law? तो 20 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा एसीटोन प्लस इथॉल। एसीटोन प्लस इथॉल जो होता है वो आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रॉल्ट लॉ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ? तो रॉल्ट लॉ जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप उसका डेफिनेशन याद कर लें कि रॉल्ट लॉ क्या है। वो लॉ पूरा एकदम डिट्टो सेम टू सेम आपको लिखना पड़ता है, वहाँ पे एक भी लेटर का लॉ में आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप 10 बार लिख ज़रूर लें और प्रैक्टिस ज़रूर करें इस पे क्वेश्चन दोस्तों। तो फिलहाल 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा एसीटोन प्लस कीटोन, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन दिखाता है ये फ्रॉम रॉल्ट लॉ, ठीक है। द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसीटोन, एन हेक्सेन या एन हेप्टेन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। तो 22 का आपका सही आंसर होगा पहला, यानी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 bar एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? तो ये आपको खुद से दोस्तों सॉल्व करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट 1 atm है, यानी कि 1.013 bar। तो वेपर प्रेशर आपका PS हो जाएगा 1.004 bar, और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम आपका दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका निकलेगा वो 98 ग्राम निकलेगा, और ऊपर में P0 माइनस PS बाई P0 जो आप करिएगा उसके बाद इक्वल टू आपका आएगा N2 बाई N1 प्लस N2। तो वो करके जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 23 का आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 41.2 into 18, हाँ तो वो आपका आएगा 41.35 लगभग, ठीक है। तो ये आप खुद से भी एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे। वैसे मैं आपको कहूँगा आप ज़्यादा फोकस करें कि आप वन वर्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका रॉल्ट लॉ पे आ गया, डेफिनेशन आता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन 24 आप देखिए, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल्स, द फेनोमेना इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज़।
तो 24 का आपका सही आंसर होगा बी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें आपका गलती होने का चांसेस दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है। यदि आप सॉल्व करते तो होना हो सकता है कि आप जल्दी में हो तो आपका कहीं पॉइंट मिस कर गया हो, तो उससे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वन वर्ड बिना सॉल्व किए हुए आप ऑब्जेक्टिव का आंसर ज़रूर करें, ठीक है। वो आप क्वेश्चन भी सिलेक्शन आपका मैटर करता है कि आप किस टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, आपका टाइम किस हिसाब से अपना बचाते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, के एफ इक्वल टू 1.8 डिग्री सी कूलम पर मीटर। तो 25 को आपका मैं हिंट कर देता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये आपका आएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला पे आपको इसको निकालना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं, खुद से भी सॉल्व करके। अभी आपके पास समय काफ़ी होगा दोस्तों, आप सॉल्व करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी सॉल्व करके बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम ज़रूर लूँगा, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, तो 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसका रीज़न भी आपको पता होगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, 10% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 6% ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक्स, वॉट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एक्स। तो 27 का आपका बहुत ही ईजी है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपको निकालना होगा पहले, अप्रॉक्सीमेटली 10/6 यानी कि 1/6, और वेट ऑफ सोल्यूट एक्स आपका दिया हुआ है 6 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स जो होगा वो आपका 6/m आ जाएगा, और 6/m आने का फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन n1 इक्वल टू n2 होता है, तो 1/6, तो m इक्वल टू आपका लगभग आ जाएगा आपका 36 ग्राम पर मोल, यानी कि आपका सही आंसर होगा 36 ग्राम पर मोल, यानी कि आपका इसका सही आंसर होगा सी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ, वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, और फेसबुक पे ज़रूर जाके हमें हमारे पेज को लाइक करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वंदे मातरम, जय हिंद।